दोस्तों, गर्मियों में मखमली कुर्ते मर्दों की शान होते हैं, तो मखमली रेशमी साड़ियाँ महिलाओं की जान में बसती हैं। लेकिन इन रेशमी साड़ियों, दुपट्टों और कुर्तों के लिए रेशमी कपड़ा बनाने के लिए हर रोज लाखों कीड़ों को अपनी कुर्बानी देनी होती है। बड़े बड़े मशीनों के बीच कैसे तैयार किया जाता है कीड़ों से रेशम, आज के हमारे फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के वीडियो के सीरीज में हम कीड़े से कैसे तैयार किया जाता है रेशम, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशम की साड़ियां और कपड़े तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन किस तरह रेशम के धागे बनाए जाते हैं कम ही लोग जानते होंगे। महीनों की मेहनत के बाद बनते हैं ये धागे, जिनसे बनती है रेशम की साड़ियां। रेशम का कीड़ा ही एक ऐसा जीव है जिसमें रेशम बनता है। इसका साइंटिफिक नाम बॉम्बिक्स मोरी है। दुनिया में रेशम का प्रचलन सबसे पहले चीन से शुरू हुआ था। रेशम से बने कपड़े और दूसरे चीजें भी सबके मन को खूब भाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रेशम बनता कैसे है, कैसे रेशम का कीड़ा रेशम का प्रोडक्शन करता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ के सिल्क वर्म के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इसी कीड़े में रेशम का प्रोडक्शन होता है। क्या आप जानते हैं, मेड इन चाइना टैग पाने के लिए दुनिया का पहला प्रोडक्शन में से एक रेशम है। रेशम की चीन में प्राचीन समय से ही खेती की जाती है और तब से दुनिया भर में कारोबार किया जा रहा है। रेशमी कपड़े का उपयोग कई तरह की पोशाकें बनाने के लिए किया जाता है, जैसे साड़ी, सलवार, कमीज, शर्ट, कुर्ता, टाई और बहुत कुछ। रेशम कीट पालन भारत का एक बहुत ही पुराना व्यवसाय है। भारत चीन के बाद विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सिल्क उत्पादन के बारे में जानते थे। रेशम के कीड़ों से रेशम कैसे बनता है? क्या आप जानते हैं कि रेशम के कीड़े सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही जिंदा रहते हैं? और सबसे अनोखी बात तो ये है कि इतने ही समय में मैथुन करके हर एक मादा रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे को जन्म दे देती हैं। हर एक अंडे से लगभग 10 दिनों में एक नन्हा मादा कैटरपिलर निकलता है। ये रात दिन शहतूत की पत्तियां खाता है और सिर्फ 18 दिन में अपने आकार से 70 गुना बढ़ जाता है। शहतूत की पत्तियां पचने के बाद कीड़े के पेट में फाइब्रोइन में तब्दील हो जाता है। ये एक तरह का लिक्विड रेशम प्रोटीन होता है। ये कीड़े की 2 ग्लैंड में जमा होता है। फिर लगभग 30 से 40 दिन में नॉर्मल और एक्टिव ग्रोथ के लार्वा पहले लंबा होता है और फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। अब 3 दिन तक लगातार अपने सिर को इधर उधर हिलाकर ये अपने चारों ओर अपनी लार ग्लैंड द्वारा डिस्चार्ज्ड मटेरियल से एक लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं। हवा में कॉन्टैक्ट में आते ही ये धागा सूख कर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। अब ये लार्वा अब एक प्यूपा में बदल जाता है। 12 से 15 दिनों में प्यूपा इमैगो बन जाता है, जो एक एल्कलाइन सेक्रेशन की मदद से कोए को एक ओर से काट कर बाहर निकल जाता है। इससे कोए का रेशमी धागा बहुत सारे टुकड़ों में टूट कर बर्बाद हो जाता है। 25 दिन के अंदर अंदर ये कीड़े रेशम का गोला बना देते हैं। इनके वजन का 1/5 हिस्सा रेशम होता है। इन कीड़ों को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है और गोले से रेशम काट लिया जाता है। एक गोले में रेशम का एक लंबा धागा होता है, जिसकी लंबाई 500 से 1300 मीटर तक होती है। ये धागा कोकून के चारों ओर अंडे के आकार के समान लिपटा होता है। आखिर में इसका रेशम हासिल करने के लिए कोए को खौलते पानी में डालकर पूरे कीड़े को अंदर ही अंदर मार देते हैं और धागे को अलग कर लेते हैं। इस तरह से रेशम के कीड़े से रेशम बनता है और इसके बाद इन रेशम के धागों की मदद से कपड़े जैसी चीजों को बनाया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने ही शरीर पर गोले के आकार का घर बनाना शुरू कर देता है और उसके गोले से रेशम बनाया जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर इस कीड़े को और भी बढ़ने दिया जाए तो ये कीड़ा तितली के रूप में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रेशमी साड़ी बनाने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती होगी। तो आप इसे अंदाजा लगाइए कि एक टाई बनाने के लिए करीब 120 कोकून की जरूरत पड़ती है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साड़ी के लिए कितने कोकून को मारा जाता होगा। चूंकि कोकून से रेशम निकालने के लिए कीड़ों को जिंदा मारना होता है,
वो इसलिए क्योंकि अगर कीड़ों को ना मारा जाए तो कोकून बनाने के 3 से 4 दिन के बाद कोकून अपने होल को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में रेशम का धागा खराब हो जाता है, इसीलिए कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है, इसी होल के अंदर कीड़ा मर जाता है और फिर खास मशीन से रेशम के धागों को अलग किया जाता है। इस तरह एक दर्दनाक तरीके के जरिए लाखों कीड़ों को जान से मारकर रेशम का धागा तैयार किया जाता है। अब जान लेते हैं रेशम बनाने की कला का इतिहास। लगभग 4000 साल पहले रेशम बनाने की कला चीन के लोगों को पता थी। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी बड़ी फेमस है। कहा जाता है कि चीन की रानी सी लिंग शी ने एक बार गलती से रेशम के एक कीड़े को हाथ धोने वाले बर्तन में डाल दिया। अगले दिन उसने देखा कि बर्तन में से रेशम के रेशे निकल रहे हैं। उस रेशे के बहुत ज्यादा मालूम होने से खुश होकर उसने रेशम के कीड़ों को पालना शुरू कर दिया और उनके द्वारा तैयार रेशम को बुनाई के काम में लाना शुरू कर दिया। कई साल तक चीन के लोगों ने रेशम के कीड़ों का रहस्य छुपाए रखा और इस वजह से दुनिया भर के व्यापारियों को रेशम खरीदने के लिए चीन जाना पड़ता था। रेशम के कीड़ों का रहस्य सबसे पहले 3री शताब्दी में जापानी लोगों को पता चला। 550 ईस्वी के आसपास बायजेंटियम के राजा जुस्टिनियन ने अपने 2 जासूसों को चीन भेजा। ये जासूस लौटते समय एक बांस की नली में रेशम के कीड़ों के अंडे छुपा कर ले आए। इसके बाद रेशम के कीड़े पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने का कला सारे संसार में धीरे धीरे फैल गया। अगर आप सिल्क से तैयार कपड़ों को पहन कर इतराते हैं तो इस पर इतराना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिल्क आपके देश की नहीं बल्कि चीन की देन है। चीन ने इस कला को काफी गुप्त रखा। सालों तक वो इसका व्यापार करता रहा। जिन रास्तों से वो विदेशों में व्यापार करता था उस रास्ते का नाम सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग नाम पड़ा। सिल्क रूट के जरिए ही भारत में भी रेशम पहुंचा। भारत में 5 तरह के सिल्क का प्रोडक्शन होता है, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें 5 तरह के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, ये थी रेशम और चीन के रिश्ते की कहानी। अब आज चीन, भारत, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उनसे रेशम हासिल किया जाता है। गर्मी की शुरुआत में मादा शहतूत के पत्तों पर 400 से 500 अंडे लगभग देती है जो पत्तियों से चिपक जाते हैं। 10 दिन के अंदर इन अंडों से लार्वा निकल आता है। इनकी सावधानी से जांच की जाती है और रोगी कीड़ों को अलग करके नष्ट कर दिया जाता है। स्वस्थ कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इनके मुंह के एक छोटे से छिद्र से एक रस निकलता है और इससे रेशम का धागा बनता है। रेशम के कई प्रकार होते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि रेशम के कितने प्रकार होते हैं। शहतूत रेशम। शहतूत रेशम दुनिया भर में सबसे आम रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम है। ये दुनिया के लगभग 90% हिस्सों में पाया जाता है। इस रेशम का प्रोडक्शन उस कीड़े द्वारा किया जाता है जो शहतूत की झाड़ियों पर भोजन करते हैं। ये रेशम के कीड़े पूरी तरह से पालतू और इंडोर में पाले हुए होते हैं। शहतूत रेशम का यूज करने का नुकसान ये है कि इसकी चिकनी बनावट को बनाए रखने के लिए बहुत देखभाल की जरूरत होती है। तसर सिल्क। तसर या तुसह रेशम एक तरह का जंगली रेशम है जो शहतूत के कीड़ों के अलावा कैटरपिलर द्वारा बनाया होता है। इस रेशम की शहतूत रेशम से अलग एक एहसास और खूबियां हैं। ये तसर रेशम एक जंगल में प्रोड्यूस होता है जो जीनस एनेथेरा से जुड़े हैं। जापानी तसर रेशम का कीड़ा हरे रेशम के धागे का प्रोडक्शन करता है। वहीं दुनिया भर में ज्यादातर तसर रेशम तांबे के रंग के होते हैं और खास रूप से फर्निशिंग और इंटीरियर में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत फाइबर है। एरी सिल्क। एरी रेशम, जिसे एंडी रेशम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक मलाईदार सफेद रंग का रेशम है। ये रेशम कीट की 2 घरेलू प्रजातियों से हासिल होता है जिन्हें सामिया रिकिनी और फिलोसैमिया रिकिनी के नाम से भी जाना जाता है। एरी रेशम एक शांति से बनाया जाने वाला रेशम है क्योंकि ये शहतूत और कोसर रेशम के कीड़ों को मारे बिना ही रेशम के कीड़ों के कोकून से निकाला जाता है। रेशम के ऊन या कपास की एक मैट रखी जाती है। एंडी रेशम के कीड़े और शहतूत रेशम के कीड़े ही सिर्फ घरेलू रेशम के कीड़े हैं जो विकसित होने के लिए इंसानों पर निर्भर है। एंडी रेशम टिकाऊ है और इनके कपड़े मुलायम होते हैं जो इसे पर्दे के लिए जरूरी सामग्री बनाते हैं। असिम्हा सिल्क।
असिम्हा रेशम बनाने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। पहला, या तो रेशम के कीड़ों को खुद से बाहर निकलने दिया जाए और फिर बचे हुए कोकून को रेशम बनाने के लिए उपयोग किया जाए, या कोकून को खुले रूप से काटा जाता है जिससे कीट भी बच जाता है। हालांकि बॉम्बिक्स मोरी को ही असिम्हा रेशम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था रेशम का पूरा इतिहास, ज्ञान और तरीके प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।